नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि इस समय कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में दीप दान और कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कार्तिक महीने में दीप दान का क्या महत्व है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा माना गया है, ऐसा लिखा है, ऐसा बताया गया है कि कार्तिक महीने में किया गया दीप दान मनुष्य के कई पापों को नष्ट करता है और कार्तिक महीने में किया गया दीप दान मनुष्य को कई अश्वमेघ यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उसका फल प्रदान करता है। इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो दीपदान कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है, दीपदान कहीं पर भी और कभी भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्तिक महीने में ही दीपदान करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्तिक महीना एक विशेष महीना है, इस कारण से कार्तिक महीने में दीपदान करने का ज़्यादा महत्व है। कार्तिक महीने में किए गए दीपदान से मनुष्य को आत्मीय शांति मिलती है, उसके जीवन में जो विभिन्न क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में उसको उन्नति मिलती है। चाहे उसके कार्यक्षेत्र की बात करें, उसके व्यापार की बात करें, काम धंधा जो भी वो करते हैं उन सभी क्षेत्रों में उसको उन्नति मिलती है या उसको आगे जाने का मौका मिलता है। और जो लोग ऐसे हैं जो कुछ अपना सर्विस ढूंढ रहे हैं, अपना काम ढूंढ रहे हैं, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अगर वो दीपदान करते हैं कार्तिक के महीने में। तो चलिए, ये तो मैंने आपको दीपदान का महत्व बताया, और भी बहुत सारे महत्व है लेकिन मैंने कुछ ही उसमें से आपको बताया। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग सोचते हैं कि दीपदान करने का मतलब होता है दीपक का दान करना, ये ऐसा सोचते हैं सभी लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। दीपदान करने का मतलब दीपक का दान करना नहीं होता है, दीपक को प्रज्वलित करना भगवान के सामने या जो भी आप जिसको भी इष्ट मानते हैं उनके सामने दीपक का प्रज्वलित करना, दीपक को जलाना, यही दीपदान कहलाता है। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। दीपदान करने का मतलब दीप का दान करना नहीं बल्कि दीपक को जलाना होता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि दीपदान करने में कौन कौन सी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, कार्तिक महीने में जो दीपदान करना है उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो आपको दीपक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दीपक किस प्रकार का होना चाहिए, तो दीपक आप किसी भी प्रकार का ले सकते हो, आप कोई भी धातु का ले सकते हो, चांदी, सोना, तांबा या पीतल, किसी का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, या आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो। अगर आप धातु का कोई दीपक ले रहे हो तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए आपने चांदी का दीपक लिया तो डेली तो आप नया चांदी का दीपक लाओगे नहीं, उसी दीपक को बार बार यूज़ कर सकते हो, पूरे महीने आप चांदी का एक ही दीपक यूज़ कर सकते हो। इसी प्रकार कोई धातु का दीपक, कोई भी धातु का दीपक, चाहे पीतल का हो, तांबे का, कोई भी धातु का दीपक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको बार बार उसी को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक यूज़ कर रहे हो तो उसको एक बार दान करने के बाद, यानी एक बार प्रज्वलित करने के बाद उसको फिर दोबारा यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। वैसे अगर कर ले तो ऐसा नहीं कि कोई आपको पाप पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम पैसे का आता है तो हम उसको ज़्यादा मात्रा में खरीद के ला सकते हैं और उसको आप दान कर सकते हो। तो इसलिए आप मिट्टी का अगर दीपक दान कर रहे हो, मिट्टी का दीपक अगर आप प्रज्वलित कर रहे हो तो एक दीपक को एक ही बार यूज़ करें, और बाकी अगर धातु का दीपक यूज़ कर रहे हो तो आप एक ही दीपक को बार बार यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई दीपक की बात। दूसरे नंबर आता है कि उसमें क्या चीज़ डालें, तेल, घी, किस प्रकार से कौन सी चीज़ डालें। तो अगर आप कार्तिक महीने में दीपदान कर रहे हो तो आपको या तो गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए या फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक का यूज़ कीजिए या फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तीसरे नंबर आती है कि बत्ती हम किस प्रकार की यूज़ करें, जो हमने बाती लगाना है वो कौन सी यूज़ करें। तो आप बाती के रूप में या तो आप सूत की बाती ले लीजिए, उसको यूज़ कर सकते, कच्चा सूत जो आता है उसकी बाती का यूज़ कर सकते हो, या आप जो कॉटन आती है यानी कि जिसको हम रुई बोलते हैं, रुई की बाती बना के भी आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरे नंबर आते हैं जो मोली होती है, जो हम लोग यहाँ पे बांधते हैं, मोली की जो धागा होता है उसका भी बाती बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो। इनमें से जो आपको ठीक लगे, जो आप आसानी से कर सकते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी चावल या गेहूँ की। इनका क्या यूज़ है मैं आगे आपको बताऊंगा कि चावल और गेहूं का क्या यूज़ है, लेकिन ये चार चीज़ें आपको ज़रूरत रहेगी। पहली दीपक, दूसरा बाती उसमें कौन सी लगना है, तीसरा आपका जो तेल या घी कौन सा लगना है वो, और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कोई भी अनाज यानी कि चावल, गेहूँ या फिर साप्त धान भी ले सकते हो, इनमें से कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये चार चीज़ें आपको कार्तिक महीने में जो दीपदान करना है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगला नंबर आता है कि दीपदान करें कहाँ। बहुत लोग सब अलग अलग तरीके से बताते हैं कि दीपदान को यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ कि दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो देखो, दीपदान आप घर पे भी कर सकते हो, दीपदान आप किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर तालाब के किनारे कर सकते हो, किसी मंदिर में जाके आप दीपदान कर सकते हो,
पीपल का पेड़ या फिर तुलसी माता के सामने भी आप दीपदान कर सकते हो। इसके अलावा जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर भी जाकर आप दीपदान कर सकते हो, या फिर मंदिर देवालय पर भी जाकर तीर्थ जो दीपदान आप कर सकते हो। तो इतनी जगह में से कहीं पर भी दीपदान कर सकते हो। ध्यान रखें, अगर आप घर पर दीपदान कर रहे हो तो खुले में दीपदान करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब घर के बंद कमरे में ना करके आप छत पर जाके दीपदान कर सकते हैं, या घर के सामने अगर कोई लान हो तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हो। ऐसी जगह पर आप दीपदान कर सकते हो। इतनी सारी जगह मैंने आपको बताई, इनमें से कहीं पर भी आप दीपदान कर सकते हो। वैसे आपको मैं बताऊँ, हर जगह दीपदान करने का अलग अलग महत्व भी है कि चौराहे पे अगर दीपदान करें तो उसका क्या महत्व है। किसी बंद जो कमरा है, मान लीजिए बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, उस पर कोई जाता नहीं है, जिसको हम भूतिया घर बोलते हैं, ऐसी जगह पे दीपदान करने का क्या महत्व है। नदी के किनारे दीपदान करने का क्या महत्व है, सबका अलग अलग है। लेकिन आप उस पर मत जाइए, आपको दीपदान करना है इस पर जाइए। क्योंकि अगर मैंने बोला कि नदी के किनारे जाके दीपदान करना है तो क्या सभी लोग तो नदी के किनारे जाएंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नदी के किनारे जा सकते। तो जहाँ पर आपको उचित लगे, जहाँ पर आपको आसानी हो दीपदान करने, वहीं पर आप जाके करिए। ठीक है, आप उस चीज़ में मत पड़िए कि यहाँ पर करने से क्या होता है और वहाँ पर करने से क्या होता। भगवान आपके दीपक को कहीं से भी स्वीकार कर लेगा अगर आपकी श्रद्धा है तो। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि दीपदान कहाँ करना चाहिए। अब दीपदान कब करना चाहिए, देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। वैसे तो मैं आपको बताया ना कि भगवान के सामने या भगवान के भजन करने में या भगवान को किसी प्रकार से भी रिझाने के लिए कोई निश्चित समय नहीं, कभी भी आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ समय हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों में कुछ समय दिया है, उस समय का अगर पालन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दीपदान करने का सबसे अच्छा समय या तो सुबह का है या फिर शाम को जो प्रदोष काल है, जिसमें जिसको हम 4 बजे से 6:30 बजे तक का टाइम जो होता है उसको प्रदोष काल बोला जाता है। तो इन समय में अगर दीपदान किया जाए तो उसका ज़्यादा महत्व है। अगला नंबर आता है कि दीपदान किनको किया जाए, दीपदान किनको करना चाहिए। तो वैसे कार्तिक, वैसे तो भगवान को का किसी भी रूप में, भगवान के जितने भी रूप हमारे पास है, आप जैसे आप जानते हैं कि हमारे 33 कोटि देवता है, उनमें से किसी को भी आप दीपदान कर सकते हो। लेकिन कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और शिवलिंग के पास अगर दीपदान करते हो तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि कार्तिक महीना जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, भगवान शंकर को भी बहुत प्रिय है, इसलिए इस कार्तिक महीने में आप दीपदान भगवान विष्णु और भगवान शंकर के लिए या भगवान शिव के लिए अवश्य करें। वैसे तो आप चाहें तो एक डेली का रूटीन बना लें कि आपको 2 दीपक लगाना है, एक भगवान विष्णु के लिए और एक भगवान शिव के लिए। 2 दीपक आप डेली लगा ही सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो घर में ही उनके नाम के 2 दीपक जरूर लगा दें। अगला नंबर आता है कि दीपदान कैसे करें। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ तो बता दी, अब दीपदान करना कैसे वो और बता देता हूँ। तो देखिए, दीपदान करने के लिए सबसे पहले तो जिस भी दीपक का आप यूज़ कर रहे हो उसको पहले अच्छे से साफ कर ले, धो ले, शुद्ध पानी से उसको धो के शुद्ध बना ले। अगर आप मिट्टी का दीपक यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले उसको पानी में थोड़ी देर के लिए डुबा दीजिए ताकि उसके अंदर पानी वो सोख ले। क्योंकि अगर जब आप तेल या घी डालोगे तो तेल घी वो सोख लेगा, इससे अच्छा कि आप पानी पहले पानी में थोड़ी देर उसको रख दीजिए और फिर उसका यूज़ कीजिए। तो अगर आप धातु के दीपक यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, और अगर मिट्टी का दीपक यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप उसको थोड़ी देर पानी में गला रहने दीजिए, पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए। अब आपने दीपक को अच्छा बना लिया, शुद्ध बना लिया, इसके बाद आपको उसमें घी या तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें भर दीजिए। इसके बाद जो मैंने आपको बाती बताई है, 3 तरह की बाती, उनमें जो जो आपने बनाई हो वो बाती भी उसमें आप भिगा दीजिए, यानी कि उसमें डाल दीजिए दीपक के अंदर। अब इसको जलाना है तो जलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मुँह है, आपका जो मुख है, या तो पूर्व की दिशा में होना चाहिए या फिर पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। इन दोनों दिशा में मुँह करके ही आपको दीपक को जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए दक्षिण दिशा में ना करें, क्योंकि हमारा या तो हमारा मुंह पूरब की तरफ हो या दीपक का मुंह पूरब की तरफ हो। इसलिए मैं आपको बोलूँगी आपका मुंह पूरब की तरफ होगा तो भी ठीक है, या आपके पश्चिम की तरफ होगा दीपक का मुंह पूरब की तरफ हो जाएगा। इसलिए आप अपना मुंह जो है या तो पश्चिम की तरफ करिए या पूर्व की तरफ करिए। ठीक है, दीपक जलाते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको अपना सर जो है वो ढक कर रखना है। आपका जो सिर है वो किसी भी, अगर आप जेंट्स हैं तो आप रुमाल रख दीजिए अपने सिर पे, अगर आप एक महिला हैं तो आप अपना पल्लू ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी। लेकिन जब आप जला रहे हो, दीपक को जला रहे हो, उस समय आपका सिर जो है वो ढका रहना चाहिए, आपका मुंह पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। और जब आप दीपक रखें भगवान के सामने या तुलसी माता के सामने या पीपल के सामने, जब भी आप दीपक रखें तो दीपक के नीचे जो मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, चावल या गेहूँ या फिर सप्तधान, तो इनमें से कुछ भी आप थोड़ा सा नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रखिए।
क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दीपक को डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धरती माता जो है दीपक का ताप को सहन नहीं कर पाती है, इस कारण से हमें डायरेक्ट धरती के ऊपर, धरती माता के ऊपर दीपक को नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर, उस दीपक और धरती माता के बीच में कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ में या तो हम चावल रखेंगे या फिर हम गेहूँ रखेंगे या सप्त धान, कुछ भी ऐसी चीज़ उस पर रख देंगे वो अच्छा रहता है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे महीने, जो कार्तिक का महीना है, पूरे महीने अगर आप दीपदान नहीं कर सकते तो आप कुछ दिन चुन लीजिए कि मुझे हर सोमवार को करना है तो कर लीजिए, या फिर मुझे पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन करना है तो वो आप दिन चुन लीजिए, या फिर लास्ट के 5 डेज आप चुन लीजिए, लास्ट के 11 दिन आप चुन लीजिए। ऐसा है, जरूरी नहीं कि आपको पूरे 30 डेज ही करना, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 30 डेज का आपके पास टाइम नहीं है तो जो मैंने अभी तरीका बताया उस तरीके से कोई भी दिन चुन लीजिए और उस दिन को भी आप दीपदान कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगा, और मैं इतनी उम्मीद आपसे ज़रूर करता हूँ कि आप इस 30 डेज में जितना दिन भी आपको समय मिले उतने दिन आप दीपदान जरूर करें। कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।